बस मैं इसको पहन के इतना डिसगस्टिंग लग रहा था ना मेरे को, खुद को ऐसा लग रहा था कि बस मेरे को तो ऐसे एमिली ही देख के मर जाए मेरे को, एमिली इन पेरिस छोड़ो तुम ऑनेस्टली। मैं कहा इसको वापस करो, तुम मेरे को पहन दो भैया व्हाइट शर्ट है इट्स फाइन। पैकिंग इन प्रोसेस, ये भामू ने अपने कपड़े आगे पटक दिए ऐसे। मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जितना आप मैस इस रूम में देख सकते हो उतना ही मैसी सा डे जा रहा है। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं कल फाइनली जिस वेकेशन के हम लोग इतने टाइम से बात कर रहे थे एंड कल हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो आज बहुत सारे काम करने हैं, पैकिंग करनी है, जो कि पैकिंग का पी भी नहीं शुरू हुआ है क्योंकि अभी तो मैंने कपड़े डाले हैं धुलने के लिए एंड काफ़ी सारे कपड़े सूख भी रहे हैं। तो कपड़ों को अरेंज करना है, बैग्स ढूंढने हैं, पैकिंग करनी है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ चीज़ें तो हमने ली भी नहीं है कुछ, क्या खैर मतलब मैं बात ही नहीं करती उस बारे में। भानु तो वैसे ही बहुत बिजी चल रहा था एंड आई एम नॉट श्योर कि उसने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करा भी है कि नहीं करा है। आई थिंक ही वॉज काइंड ऑफ प्लानिंग टू ऑर्डर, सो लेट्स सी आज कुछ ऑर्डर्स आने वो आ जाए। एंड मुझे क्विकली मॉल भी जाना है, कुछ सामान पिक करना है, बारिश हो रही है बाहर। तो बेसिकली मैंने अपना डे आपको एक जिस्ट में बता दिया एंड मैं अभी इस हालत में इसलिए क्योंकि मैंने अभी फटाफट से एक रील बनाई है, मुझे एक रील पोस्ट करनी थी हेयर पे, हेयर प्रोडक्ट्स पे, सो मैंने वो भी करी है तो इसलिए वो लाइट वाइट सब आपको दिख रही है। बेड अरेंज करते हैं एंड ज़्यादा बातें नहीं करके लेट्स फाइनली स्टार्ट द डे एंड लेट्स जस्ट गेट क्रैकिंग। हाँ जी बिजी हो एज यूजुअल एंड तेरे का प्लान है? मुझे मॉल तो जाना है लेकिन मुझे कहीं किसी हालत से नहीं लग रहा कि हम लोग कल वेकेशन पे जा रहे हैं। जीरो प्रिपरेशन, दो हफ्ते हो रहे हैं तैयारी करने के लिए, फिर हम वेकेशन पे जाएंगे। बट इट इज व्हाट इट इज, यू केयर व्हाट यू गेट, सिंपल। तूने अपने कपड़े ऑर्डर करे थे? हाँ मैंने कुछ कपड़े ऑर्डर करे थे बट रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर लिए थे क्योंकि वो टाइम नहीं था। ट्रैक सूट्स वगैरह मेन पीटी वाज सेल बिकॉज़ हम लोग कभी गए नहीं है उस जगह पे। सो या लेट्स सी, ओके सो वंस इट कम्स एंड मैं जाऊंगी मॉल कुछ पिक करना तो मुझे बता दियो। एंड बट मॉल जाने के लिए बस मैं बस निकल जाऊँ मैं घर से, जो मुझे मुश्किल लग रहा है। कपड़े वो लॉन्ड्री में उसमें है, मशीन में, वो सुखाने डाल दियो बस, ठीक है? ओके गाइस चलते हैं। सुबह से इतनी ऑनेस्टली लगी पड़ी है, मानू तो खैर अपने कॉल्स पे है, हम रात को सोए भी तो लेट थे। मैं 1 बजे तक आई थिंक अपनी क्लास रिकॉर्ड, एग्जैक्टली 1:30 बजे तक मैं अपनी क्लास रिकॉर्ड कर रही थी, वो फाइनल जो वाली थी थर्ड क्लास। मेहनत करती है, रात तक बैठी है उसकी वो सुबह उठ के, वो यार बहुत टाइम लग गया एक्चुअली, 4-5 घंटे लगे सुबह उठ के। मैंने एडिट करी लेकिन एडिट हुई नहीं है भाई, 1 सेकंड, सिर्फ 2 क्लास 2 चैप्टर्स हुए हैं मुझे आज करनी है हर हालत में, तो मैं जा नहीं सकती छुट्टियों पे। हाँ हाँ नहीं तो मैं जा नहीं सकती छुट्टियों पे, बट एनीवे चल अपनी कॉल्स कर। ओके सो मैं आ गई हूँ मॉल में, क्विकली मुझे 2-3 चीज़ें उठानी है, फटाफट से उठाती हूँ, लाइक स्टॉकिंग्स एंड बेसिक थिंग्स। एंड मन तो बहुत था कि कुछ और नज़र मार लूँ बट बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे निकलने में ही 3 बज गए। एंड फटाफट निपटाती हूँ, घर जाती हूँ एंड देन पैकिंग शुरू करनी है, घर को साफ करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो या स्टे ट्यून्ड। ओके सो गॉट कपल ऑफ आइटम्स एंड अ नाइस कॉफ़ी, ये इसके आने का टाइम ही मिला। आई थिंक लेट्स जस्ट गो होम नाउ, गाड़ी भी साफ करवानी है, होपफुली कल ही कराएंगे वो, बट या लेट्स गो होम। ये पैकिंग शुरू अब फाइनली जाकर, क्या चल रहा है हमारे साथ, वी हैव जीरो आइडिया। पता ही क्या चल रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ। और नहीं तो मुझे यही वाला बैग लेके जाना है, ये वाले दो, ये देखो ये झांके कपड़े पड़े हैं। नहीं तो ये वाले हम कपड़े ट्रांसफर करेंगे उस बैग में, क्योंकि मुझे ये वाला बैग और पर्पल वाला लेके जाना है, या फिर हमारे क्या पता एक में आते, लेट्स सी, ठीक है? तो चलो हाँ टैग्स वैग्स सब हटाते हैं, क्लीन करते हैं बैग्स को एंड लेट्स स्टार्ट। मौसम देखो यहाँ पे इतना खतरनाक हो रहा है, सो इट इज़ सो विंडी एंड बारिश हो रही है, कभी तूफान आ रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बट एनीवे हम करते हैं पैकिंग शुरू। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हम गर्मियों के कपड़े लेके जा रहे हैं कि सर्दियों के कपड़े लेके जा रहे हैं। हाँ आई एम स्टिल कन्फ्यूज कि हम गर्मियों के कपड़े लेके जा रहे हैं कि सर्दियों के कपड़े लेके जा रहे हैं, पता नहीं भाई, मैं दिखा रही हूँ वेदर लाइक एनीवे। I know, right? Anyway, फटाफट से करते हैं बैग्स को क्लीन एंड देन शुरू करते हैं पैकिंग। एक तो नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है क्योंकि वही मैंने जैसे बताया आपको, रात को इतना लेट सोया है एंड सुबह भी जल्दी उठी है एंड आज भी रात को लेट सोई है, बिकॉज मुझे रात को अपेरेंटली अपने कलर, मुझे कलर करके सोना है एंड वैक्सिंग भी करनी है मुझे अपने हाथों की, सो ऑल दोज थिंग्स। एंड आई थिंक भानु को भी एक दो काम है, तो
शुरू करते हैं पैकिंग एंड ये तो बहुत सारे टैग्स लगे हुए हैं बैग्स पे. वैसे मुझे पैकिंग करने में ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, मतलब अभी चाहे मैं थकी हुई हूँ बट स्टिल बहुत एक्साइटमेंट है, यू नो, बिकॉज व्हेनेवर यू गोइंग फॉर अ ट्रिप और समथिंग यू काइंड ऑफ लुक फॉरवर्ड टू पैकिंग योर बैग्स एंड यू नो होटल बुक करने से लेकर पैकिंग बैग्स तक. एंड सबसे गंदी चीज़ होती है जब तुम ट्रिप से वापस आते हो तो अनपैकिंग जो करनी होती है. सो या एनीवे मैं फटाफट से करके हूँ शुरू सफाइयाँ एंड भानु का वेट करूँ. भानु एंड आई थिंक भानु अपने कपड़े लेने गए नीचे, सो लेट हिम ऑल्सो कम एंड या फिनिश करते हैं पैकिंग. गाइज अगर आपको याद होगा जो मैंने वो क्रिसमस पे जो अपना नाइट सूट दिया था रेड वाला, जो मतलब बहुत प्यारा नाइट सूट है, उस पर वो टैग लगा रह गया था H&M का था. मैंने H&M से अपनी स्पेगेटीज ली, उसमें दोबारा से टैग लगा रह गया. लाइक अब मैं क्या करूँ, मुझे लिटरली बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू गो टू H&M एंड गेट इट सॉर्टेड एंड आप इसको अपने आप निकाल ही नहीं सकते हो. सो एंड आई नीड देम, सो प्रॉबेबली मैं इसको यहाँ से कट करूँगी. I have no option. But why H&M? Why? Packing in process. ये भानु ने अपने कपड़े आगे पटक दिए ऐसे. Most of them are black. भानु तेरे कपड़े तो को प्रेस नहीं करने हैं. क्या? कपड़े प्रेस नहीं करने हैं. सौरभ बोल रहा है वहाँ पे प्रेस होती है. अच्छा सौरभ सिंह प्रेस होती है वहाँ पे. मैं फालतू में सारे प्रेस करके लगा रही हूँ. बट बताना नहीं अभी हम कहाँ जा रहे हैं. So stay tuned for that. हाँ. पता है अभी आधा सूटकेस पैक हुआ और आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट आई हैव गॉट. मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि हम ठंड में जा रहे हैं कि हम गर्मी में जा रहे हैं. तो आपने कंफ्यूज कर दिए मेरे कपड़े मेरे लैपटॉप बैग में आ गए. क्या कह रहे हो? बहुत तेज बारिश दिखा रहे हैं. दिख रही है यहाँ खिड़की से. आई एम सो कंफ्यूज. एनीवे देखते अब तो खैर. मैं बता तो रहा हूँ मेरे कपड़े मेरे लैपटॉप बैग में आ गए हैं. पागल हो गए. ओके सो अभी भी पैकिंग चल रही है. एक सेकंड चल नहीं रही. भानु की पैकिंग शुरू भी नहीं हुई. इतना टाइम वेस्ट कर रहा है. कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे. मैं सामान इकट्ठा कर रहा था पहले. और एक सेकंड एक बात बताओ. बात बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी मैंने. सब्सक्राइब तो कर लो, वो बात तो होती रहती है. बट उसके अलावा ये था कि काफी लोग बोल रहे थे यार तुम ना कुछ थोड़े कलर्स ट्राई करो. स्पेशली उर्वशी का एमिली इन पेरिस वाला जो ब्लॉग था ना, तो उसके बाद मेरे को मोटिवेशन मिली. मैं यार चलो एमिली इन पेरिस आज भानु भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है. मैं रात को मेरे पास 15 मिनट थे. तू रुक जा. रात को मेरे पास 15 मिनट थे क्योंकि 11 PM तक अगर तुम ऑनलाइन एक डिलीवरी सर्विस पे तुम अगर करो ऑर्डर तो नेक्स्ट डे ऑर्डर आ जाता है. तो आज का दिन ही था हमारे पास. यू नो ऑर्डर कपड़े आ गए हैं. बहुत सी आए हैं. बहुत मस्त आए एकदम. तेरी बीवी तेरे साथ नहीं बैठी थी इसलिए तूने ऐसे कपड़े मंगवाए. गाइस मैं आपको दिखाता हूँ. मैं एमलिन कलर्स देखो. कलर्स चंकी पांडे भी शर्मा जाएगा. प्लीज चंकी बंकी पांडे पीला रंग और ये लाल. बस मैं इसको पहन के इतना डिसगस्टिंग लग रहा था ना. मेरे को खुद को ऐसा लग रहा था कि बस एमिली देख के मर जाए मेरे को. एमिली इन पेरिस छोड़ो तुम ऑनेस्टली. मैं कहा इसको वापस करो. तुम मेरे को पहन दो भैया व्हाइट शर्ट है इट्स फाइन. हम एब्सोल्युटली फाइन विद दैट. सो क्योंकि यू डोंट नो व्हाट टू ऑर्डर. मैं कुछ भी रैंडम मंगवाया. आई नो यार. आई नो आई शुड हैव मी फॉर योर कपड़े एडवाइस. That's true. I mean, she suggests me quite a lot. तो मैं बनाना येलो कलर मंगाया एक मैंने और एक टमाटो रेड मंगाया. वो टमाटर भी मतलब पूरा पक नहीं पाया. लाल हल्का हल्का ना ऑरेंज से रह गया. तो बस वही पल्पी टमाटो वाला कलर हम पहनेंगे. तू पहन के दिखा दे रहे इतना बोल रहे तो. देखो अगर मुझमें गट्स हुए तो मैं शायद ब्लॉग में दिखा दूं. बट अभी मेरे में वो गट्स हो नहीं रहे हैं. ठीक है इतना गट्सी मैं हूं नहीं. ओके तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये बेघरों वाले हाल क्यों रखे हैं क्योंकि हम थक चुके हैं बहुत ज्यादा पैकिंग कर करके. उर्वशी ने तो पूरा घर ही पैक कर लिया है. लग रहा है पता नहीं क्या पूरे 4 साल के लिए जा रही है. पता मैंने कभी इतनी स्ट्रेसफुल पैकिंग नहीं करी. मैं आपको बड़ा स्टाइल से बोल रही हूं. बड़ा मजा आता है पैकिंग में. मजा तो आ रहा था बट बाद में ना मतलब हम ना इतने कंफ्यूज थे कि वहां पे ठंड है कि गर्मी है. बिकॉज बारिश है भाई. बारिश आर्टिफिशियल इनको पता ही ना हम कहां जा रहे हैं. बताया है ना अभी प्रीति ने भी बताया. हम क्योंकि प्रीति और सौरभ ने हमें बहुत ये बहुत तारीफ करते हैं इस जगह की तो हम लोग कभी नहीं गए वहां पर. तो इसीलिए वहां पे हमें खुद मैं क्या बोलूँ मैं बताना नहीं चाहती हूँ. बट प्लीज इग्नोर दिस फटाओ धैला. इतना कूड़ा निकला ना घर से. पैकिंग कम हुई है घर की सफाई ज्यादा हुई है ना ये मुझे लग रहा है. 100% agree. क्योंकि हाँ अभी अब मैंने सामान सामान ऊपर रख लिया अपना कपड़े वपड़े. अभी मैं फाइनलाइज करूँगा. तब तक मैंने बीच में थोड़ा घर वर साफ कर दिया था. सो अब हमने खाना खाना है. एंड खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था. किसी को हिम्मत नहीं थी खाना बुना बंदा बनाए. सो उर्वशी ने क्या ऑर्डर करा है करवाया है. उर्वशी ने खाना है मसाला डोसा और मैं खाऊँगा चिकन. जरा मैं जा सकती हूँ यहाँ से. ये रास्ता जो आप यहाँ पर टोल देना पड़ता है.
concert only. Okay, so खाना आ चुका है and काफी हद तक घर भी साफ हो चुका है except for that area and बहुत ज़्यादा लग रही है। अब बार बार पता है कि और जैसे हम कुछ भी पैकिंग करते हैं याद आते हैं कि वहाँ पर ये होगा वो होगा तो बार बार ही भानु और सौरभ की कॉन्वर्सेशन पता कैसे चल रही है अभी व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है उसमें भानु इज आस्किंग चप्पल लेके जानी है प्रेस लेके जानी है और क्या पूछा था तूने टॉवल लेके जाने हैं और सौरभ ने क्या बोला कि चप्पलें लेके जानी है लेकिन टॉवल्स वहाँ पे हैं तो हमें चप्पल लेके जाने का इस अभी चप्पल पैक नहीं करी थी हमने यार प्याज काट दो यार प्लीज यार रैंडम तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जहाँ पे हम जा रहे हैं तो होपफुली अच्छा ही होगा एंड इसलिए हम ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल होता है क्या क्या नहीं होता है तो हम कहाँ जा रहे हैं उसके लिए स्टे ट्यून्ड ये व्लॉग अभी वैसे जस्ट टू लेट यू नो आई ट्राई टू व्लॉग डेली अभी कुछ दिनों तक होपफुली वहाँ पे नेट अच्छा हो हाँ रजौरी गार्डन में नेट अच्छा होता है मैं साइबर कैफे चले जाऊँगी ना फिर चलो हम लोग खाते हैं खाना फटाफट से आई बहुत भूख लगी मैं आपको खाना दिखा रही हूँ हमारा बहुत यम्मी सा खाना है ओके तो ये रहे हमारे वैलेंटाइंस के फ्लावर्स सबसे पहले जो मैंने पूरे लंदन में सड़कों में इनको ले लेके घूमा है काफ़ी अच्छी पिक्चर्स भी खींची है एंड मेरा डोसा आ चुका है भानु ने मंगवाया अपना चिकन तो फटाफट से खाना खाते हैं एंड देन कंटिन्यू करते हैं जो भी हम कर रहे हैं पैकिंग बेसिकली ओके सो अभी मेरी क्लासेस जो है वो अपलोड हो रही है सर्वर पे सो इट्स गोना टेक सम टाइम ये फिक्स करते हैं फटाफट एंड बाकी सब काम हो गए भानु बाकी सब काम हो गए पता ही नहीं भैया मैं लॉस्ट हूँ आज मैं इतना लॉस्ट हूँ कि मैं लॉस्ट हो चुका हूँ मैं एकदम गायब हो चुका हूँ क्योंकि बस चल ही जा रहा है सुबह से लगता है बस बैठे हुए हैं पहले ऑफिस के काम फिर घर फिर एक्चुअली अपने पैकिंग के काम फिर घर के काम भानु सारे काम हो गए पता नहीं एनीवे गाइस आई थिंक ये व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं एंड हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में हम कहाँ वेकेशन पे जा रहे हैं क्या होने वाला है सब कुछ आपको बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में क्या होने वाला है वो हमें भी नहीं पता हम दोनों भी क्लूलेस है आपको पता लग सकता है अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाओगे कि उसमें क्या तू स्पेशल न्यूज़लेटर भेजेगा बिल्कुल स्पेशल आएगा एकदम पता है नहीं आपको YouTube से एक स्पेशल अलर्ट आएगा सिंस यू सब्सक्राइब टू उर्वशी सलारिया चावला यू विल एक्चुअली गेट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम YouTube दैट विल टेल यू व्हाट्स गोना हैपन इन द हॉलीडेज बारिश एनीवे सब्सक्राइब कर लो प्लीज एंड वेट फॉर द अपकमिंग व्लॉग्स व्हिच आर कमिंग योर वे क्योंकि बहुत फन करने वाले हैं सूरी फैमिली के साथ एंड स्टे ट्यून्ड जितना हम एनर्जेटिक साउंड करना चाह रहे हैं उतना हम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अब हम जाने वाले हैं अपने काम फिनिश करते हैं एंड फिर शायद सोएंगे डेफिनेटली सोएंगे एंड सुबह उठ के बाकी सब नटाएंगे एज फॉर सोना एज फॉर सब्सक्राइब करना करो आप हम भी वही करते हैं